अब एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है, देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 3.2 का, ये दे रखा है। ये क्वेश्चन एक्चुअली कुछ नहीं है, ये बस क्या बोलता हूँ, ये क्वेश्चन में बस लेंथी क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। तुम मुझसे करवाना चाहते हो तो करवा लो, मैं कर देता हूँ तुम्हारी जगह मेहनत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन इस टाइप का होगा शायद एग्जाम्पल में, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो दे रखा है यार, ये अब इसमें देखो कैसे निकाला है। एक बार ए स्क्वायर निकाला तो ए स्क्वायर को फिर ए से मल्टीप्लाई किया तो ए क्यूब निकाल लिया, ठीक है ना। उसके बाद ये डायरेक्ट लिखा ए क्यूब, ये लिखा -23, ए यहाँ लिखा, फिर -40 लिखा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा 3/, यहाँ दिख रहा है सॉरी, ए क्यूब क्या निकाला पहले देखो यार, पहले ए स्क्वायर ये निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेशन तो आता ही है तुम्हें। उसके बाद ए क्यूब निकाला, ए क्यूब कैसे निकाला, ए स्क्वायर इन टू ए किया तो ए क्यूब आ गया, फिर ए क्यूब -23a -40i, ये ए क्यूब लिखा, ये -23 लिखा, ये ए लिखा, ये -40i लिखा, इन सबको मल्टीप्लाई करते करते मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, तो ये नल आ गया। यही क्वेश्चन है यार, तुम कर लेना, फालतू का मैं कैलकुलेशन करूँगा, वीडियो लंबा होगा, मुझे अपलोड करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछने वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें क्या बोल रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 tan α/2 -tan α/2 0 एंड कैपिटल आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 शो डैट कुछ नहीं है इसमें, कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है। ये बोर्ड बोर्ड में आता रहता है, ठीक है ना, बोर्ड में पूछ देगा कि ये बताओ, ये प्रूफ करो, डायरेक्ट बोर्ड में पूछ देगा, ठीक है। बोर्ड में वही 10-20 क्वेश्चन होते हैं जो बार बार घुमा घुमा के पूछते रहते हैं। बोर्ड तैयारी करने के लिए अगर तुम सीरियस हो तो बड़े आराम से, लास्ट में जो अचीवर वचीवर रटने लगते हैं ना, वो सब रटोगे तो अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ। ये बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन पूछता है, जरा देखो ध्यान से सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें क्या बोला है, ये ए मैट्रिक्स दे रखा है 2/2 ऑर्डर का, ठीक है। आई जो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी ऑर्डर 2 का, तो ये बोला है ये प्रूफ करो, ठीक है। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे, वही काम कर देंगे, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास, आई प्लस ए, तो आई क्या हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का। ए क्या दे रखा है, 0 -tan α/2 एंड tan α/2। अब ये ऐड करना तो आता है, 1 + 0 = 1, 0 -tan α/2 -tan α/2, 0 + tan α/2 तो ये हो गया tan α/2, 1 + 0 = 1। तो ये हमारा क्या मिल गया, आई प्लस ए, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, ठीक है ना। अब राइट हैंड साइड पे आ जाओ, राइट हैंड साइड क्या है, I - A मैट्रिक्स इंटू cos α - sin α sin α cos α, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसमें I मैट्रिक्स क्या दे रखा है हमारे पास 2 ऑर्डर का, 1 0 0 1, -A मैट्रिक्स क्या दे रखा है, 0 - tan α/2 एंड tan α/2 0, ये हो गया हमारा I - A। और साथ में यहाँ एक मैट्रिक्स क्या दे रखा है, cos α - sin α - sin α cos α, समझ रहे हो ना, ठीक है ना, ठीक है। अब इस पूरे मैट्रिक्स को कैलकुलेट करके मुझे इसके बराबर दिखाना है, अगर मैंने इसके इक्वल कर दिया तो I प्लस ए और ये पूरा इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। तो बस शुरू हो जाते हैं इसके लिए, इसको एक बार पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा,
वन माइनस जीरो वन, ये माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा टेन अल्फा बाई टू, जीरो माइनस टेन अल्फा बाई टू, तो माइनस टेन अल्फा बाई टू, वन माइनस जीरो इज वन, ये हो गया। और ये क्या हो गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। अब मैं इसको देख रहा हूं तो यहां पे जो आई माइनस लेफ्ट हैंड साइड है ना वो टेन अल्फा बाई टू में है, बट यहां तो कॉस वॉस इन्वॉल्व होने लगा साइन, तो इसका मतलब क्या है कि इस वाले मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है ना ये कॉस साइन, इसको भी हमें टेन में चेंज करना पड़ेगा, तभी तो जाके इन टेन अल्फा बाई टू के टर्म में आएगा। तो ये क्या, इसको मैंने लिख लिया वन टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू वन, मैंने बोल रखा है कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। अब आ जाओ फॉर्मूला, मैंने बहुत स्ट्रेस देके बहुत सारे फॉर्मूला लिखवाए थे, साइन टू अल्फा का वैल्यू क्या बोला था, साइन टू अल्फा बोला था टू टेन अल्फा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। कॉस टू अल्फा क्या बोला था, कॉस टू अल्फा बोला था मैंने वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बोला था ना। और टेन टू अल्फा ये फॉर्मूला क्या होता है, टू टेन अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ऐसा बोला है ना, ठीक है ना, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। तो अब यहां देखो क्या है कि इस कॉस अल्फा को क्या मैं लिख सकता हूं, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। देखो यहां पे कॉस टू अल्फा था तो ये एंगल हाफ होके अल्फा हो गया, अब यहां पे कॉस अल्फा है तो एंगल हाफ होके क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर, दिख रहा है ना तुम लोगों को अल्फा बाई टू, ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा है, टू अल्फा था तो एंगल हाफ होके अल्फा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा टू टेन अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये फिर साइन अल्फा क्या हो जाएगा टू टेन अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, कॉस अल्फा बाई टू हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये हमारा एक मैट्रिक्स बन गया बच्चे देखो, ठीक है ना। अब ये टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू पूरे में देख रहा है तो हमने पुट किया लेट, या टेन अल्फा बाई टू इज इक्वल टू टी, तो ये हमें क्या मिल गया वन टी माइनस टी वन, टेन अल्फा बाई टू को टी मान लिया तो ये क्या हो गया वन माइनस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया माइनस टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, और ये क्या हो गया वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, ये भी टू बाई टू ऑर्डर का मैट्रिक्स, ये भी टू बाई टू ऑर्डर का मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो वही मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, पहले करो पहले का कॉलम, तो ये वन मल्टीप्लाई किया इससे तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे ना इस वन को इस पूरे एलिमेंट से तो ये सेम आ जाएगा, टी को इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो प्लस होगा, ये क्या होगा टू टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो पहला रो और पहला कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, तो वन को जब इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा ये माइनस टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, और जब टी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा टी वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, क्लियर है ना। अब आ जाओ दूसरा रो पहला कॉलम, माइनस टी से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा माइनस टी वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, अब ये वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये हमारा एक एलिमेंट है, मतलब ये ए वन वन का एलिमेंट है, ये ए वन टू का एलिमेंट है, ये ए टू वन का एलिमेंट है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा टू टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, और वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है ना। पहले मैंने बता रखा है थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत कॉन्सेप्ट छुपा है, कैलकुलेटिव है, इसको कैलकुलेट करो। तो हमें क्या, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ आई माइनस ए, और ये कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ।
तो ये किसके बराबर आया, इस मैट्रिक्स के बराबर, ये जो है ना इसी को कर रहा हूँ ना कैलकुलेट, तो ये इसके बराबर आया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, डिनोमिनेटर को सेम किया तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 टी स्क्वायर अपॉन, डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो गया, यहाँ से इसको मैंने, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने इसमें टी कॉमन ले लिया, तो टी कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ भी क्या किया टी कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसमें क्या किया बस सिंपली ऐड कर दिया 2 टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, डिनोमिनेटर तो सेम है तो ये क्या हो गया 1 2 टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये टी कॉमन लिया है तो ये क्या हो गया बताओ माइनस टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, और ये क्या हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया टी कॉमन लिया तो क्या हो गया ये टी स्क्वायर 2 माइनस 1 1 प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2 टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, क्लियर है ना यहाँ तक। अब ये देख लो ये तो 1 हो गया, इससे एक माइनस कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस टी हो जाएगा, ये कैंसिल होके ये टी हो गया, ये भी कैंसिल होके 1 हो गया। अब टी क्या हमने माना था 1, टी क्या माना था टेन अल्फा बाई 2, ये हो गया टेन अल्फा बाई 2, ये हो गया 1, और यही किसके इक्वल हो गया हमारा i प्लस ए के। तो फाइनली हमने क्या प्रूफ कर दिया i प्लस ए इज इक्वल टू i माइनस ए इंटू दिस, तो हेंस प्रूफ हो गया। अगर किसी बच्चे को समझने में प्रॉब्लम आई है तो थोड़ा मैं स्पीड में कैलकुलेट कर रहा हूँ, अगर कोई बच्चा नहीं समझ रहा है तो मैं उसके लिए उससे क्षमा मांगता हूँ, ठीक है, गलती मेरी नहीं है, स्पीड तो चलना ही होगा इसलिए कि एक्चुअली 12th क्लास में हम हैं, तो बिल्कुल मैं एकदम बच्चों की तरह 9th-10th क्लास के बच्चों की तरह तुम्हें कैलकुलेशन दिखा नहीं सकता हूँ कि बेटा माइनस माइनस प्लस होता है, टी इंटू टी टी स्क्वायर होता है, ऐसे तो मैं कर नहीं सकता हूँ, तो इसके लिए थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन है, थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो एक तो तुम जब हम लोग इंटरेक्ट करेंगे तब पूछ लेना, दूसरी बात कि वीडियो रिवाइंड करके देख लो, अगर इसके बावजूद किसी बच्चे को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो कल आप मुझे एक मैसेज डाल देना कि सर स्पीड वीडियो का आप स्लो कर दो, फिर मैं बोल रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, एक भी बच्चे ने मुझे अगर लिख के भेज दिया कि सर वीडियो का स्पीड स्लो कर दो, तो मैं 20-25% थोड़ा स्पीड कम कर दूँगा, ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल ये भी नहीं कि बिल्कुल इजी हो, मतलब बिल्कुल स्लो कर दूंगा लेकिन थोड़ा स्पीड कम कर दूंगा, क्लियर होना चाहिए ये सारी बात, ओके।